इतना देर से चले जा रहे हैं, कब आएगा ये? गौरव, मंदिर पे पहुंचने के समय तो लगता ही, और हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। यार पीयूष, हम जिस जगह जा रहे हैं ना यार, उस जगह की मैंने बहुत सारी बातें सुनी है। जैसे कि वहाँ पर हुई घटनाएं, वहाँ के किस्से, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ पर लोगों की हुए मौत, भाई ये सब चीजें ही मुझे वहाँ पर समझ रहा ना तू। साले लगा दी ना पनौती तूने। इसे भी अभी मौका मिला था बोलने को। क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं इस पनीर को, इंजन गर्म हो गया पानी में। यार वो क्या है? चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। यार पीयूष, हम लोग इस घर में तो आ गए, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कहां से करें। बात तो तेरी सही है, पर हमें इस घर के बारे में कुछ और पता चल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। बात तो तूने सही कही, हमें इस घर के बारे में अगर और पता चल जाता तो हमें बहुत आसानी होती। सुनो, मुझे इस घर के बारे में कुछ बातें पता चली है। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे, तब मैंने इस घर के बारे में गांव वालों से पूछताछ की,
पर उन्होंने इस घर के बारे में बात करने से मना कर दिया। जब घर की ओर आ रहा था, पीछे से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आई। उनसे बात करके पता चला कि आज से 20-22 साल पहले यहाँ एक बूढ़ा बूढ़ी रहा करते थे, जो शैतानी ताकतों की पूजा करते थे और यहाँ तक कि इंसानी बलि भी दिया करते थे। जब उनकी ये हकीकत गांव वालों को पता चली, तब उन्होंने इनको गांव और इस घर से बाहर जाने का दबाव डालने लगा। इस बात से डरकर उन्होंने लोगों से मिलना जुलना और घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। कुछ महीने बाद उन दोनों का रहस्यमय ढंग से इस घर पर मौत हो जाती है। और मुझे यह बात भी पता चली है कि मरने से पहले उन्होंने इस घर को श्राप दिया था कि जो कोई भी इस घर में रहेगा या इस घर को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। उस घटने के बाद से यहाँ और भी हादसे हुए। यहाँ बहुत लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई और मुझे तो ये लगता है कि यहाँ के लोग इसी कारणवश इस घर के बारे में बात करने से कतराते हैं। पर अली, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? जब हम यहाँ पे आए तब मैंने भी लोगों से बात करने की कोशिश की, तब यहाँ के लोग इस घर के बारे में बात करने में भी हिचकिचा रहे थे। फिर मुझे बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत मिली और उसी ने मुझे ये सारी बातें बताई। एक मिनट मोहित, क्या तुमने उस बूढ़े आदमी का चेहरा देखा था? नहीं, मैंने शायद उसका चेहरा नहीं देखा। और अली, क्या तुमने उस बूढ़ी औरत का चेहरा देखा था? शायद मैंने ध्यान ही ना दिया। देखो मैं एकदम श्योर तो नहीं हूँ, पर हो सकता है वो बूढ़ा आदमी या वो बूढ़ी औरत जिसको तुमने देखा, वो हो सके यहाँ घर में रहती हुई उनकी आत्मा हो। पीयूष, बात तो तू सही कह रहा है। हो सकता है जो दो व्यक्ति मोहित और अली को मिले हैं, वो हमें किसी से सावधान करने की कोशिश कर रहे हो या हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। यार गौरव, इन सब केस में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है जो हम देख रहे हो वो हमारा वहम है, या हो सकता है असलियत हो। यारो, मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास तो नहीं करता, पर जो आत्मा इन दोनों को दिखी है, क्या पता वो कुछ कहना चाहती है। सुनी सुनाई बातें तो बहुत है, फिलहाल रात हो चुकी है और हमें आराम कर लेना चाहिए। ठीक है, सही है। यार, आज दूसरा दिन है, कुछ होने वाला है भी या नहीं? क्या कर रहे हैं यार ये लोग, समझ में नहीं आ रहा। क्या चल रहा है भाई, भूत दिखे नहीं यहाँ पर? बस यार, यही सोच रहे थे काम अगर जल्दी खत्म हो जाए बेहतर होता। मोही, मेरे दिमाग में बात चल रही है यार। अच्छा हितेश, तू भी सोचने लगा क्या? यार आज 4 दिन हो गया, मुझे तो कुछ डाउट जा रहा है। यार उम्मीद तो यही है, आगे देखते हैं क्या होता है। यार हमें यहाँ 5 दिन हो गए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ होने वाला है। तू बोलना क्या चाह रहा है? तुम लोगों को नहीं लगता कि हम लोग वक्त यहाँ जाया कर रहे हैं? जहाँ हम इस घर में इतने दिन रुक चुके हैं, वहाँ एक और दिन ही सही। क्यों गौरव, सही है कि नहीं? सही तो बोल रहा है यार, एक दिन रुक के देख लेते हैं, है ना? Thank you.
मैंने तो पहले ही कहा था ये सब अनसुनी बातें हैं, मगर मेरी बातों को कोई ध्यान ही नहीं। कुछ बातें होती है अली जो कही सुनी होती है, लेकिन हमने से कई केसेस भी सॉल्व किए हैं जो सच निकली है। हाँ ये बात तुमने सही। चलो फिर चल के देख ही लेते हैं क्या असलियत है और क्या कही सुनाई बातें। वहां पे कुछ भी नहीं है गौरव, ऐसा क्या देख लिया जो तू डर गया? पर वहां तो अली। अली? अली क्या? मैंने वहां अली को देखा। अली को देखा? चला अली को देखता हूं। अली? हाँ? क्या कर रहा अली? डांस कर रहा हूं। देखा? और क्या करते हैं? ये सब तेरा वहम है, तू डर गया। चला सोते हैं। चल चल
तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ? तो यहाँ कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं। तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई मैंने अभी तुझे यहाँ खड़ा देखा। भाई रात के 2 बज रहे हैं और इतनी रात को बाहर निकलना अच्छा नहीं है। ठीक है चल सोने चलते हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें घर से निकलना है।